मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा में एक 9 साल की मूक बधिर बच्ची के अपहरण की घटना का सीसीटीवी सामने आया है, जिसमें आरोपी बच्ची को अपनी गोद में उठाए ले जाता साफ नजर आ रहा है। पुलिस ने कुछ घंटों में ही आरोपी को गिरफ्तार कर बच्ची को सकुशल बरामद करते हुए पूरी घटना का खुलासा कर दिया है। मुरादाबाद एसपी देहात के अनुसार घटना 28 अगस्त की शाम की है। परिजनों ने ठाकुर द्वारा पुलिस को सूचना दी थी कि उन्हें फहीम नाम के एक व्यक्ति पर शक है कि वो उनकी बेटी का अपहरण करके ले गया है। जिस सूचना पर कई टीमें बनाकर दबिशें दी गईं, तो कुछ ही घंटों में आरोपी फहीम को गिरफ्तार करते हुए बच्ची को बरामद कर लिया और आरोपी फहीम को जेल भेज दिया गया है। अब उक्त घटना का सीसीटीवी सामने आने के बाद पूरा मामला साफ हो गया है। स्टेटस ये है, 29 तारीख की घटना है, 29 अगस्त की तहरीर मिली हमें बच्ची के पिता से, जिनका नाम माजिद है। उन्होंने तहरीर दी कि उनके ही पड़ोस में रहने वाला फहीम उनकी 9 साल की बच्ची को बहला फुसला कर ले गया है। तो जब हमने इसके लिए 3 टीमें गठित की, पास में हमने रामपुर में भेजी, बिजनौर में भेजी और एक टीम हमने काशीपुर की तरफ भेजी। तो जो रात्रि के करीब 10:30 बजे के आसपास बच्ची सहित वो जो अपहरण करता था वो भी मिल गया और उसकी तुरंत गिरफ्तारी की, वो बच्ची को बरामद कर लिया गया और अगले दिन 30 तारीख को उसे जेल भेज दिया गया कोर्ट के द्वारा। नहीं, कोई नहीं था, बस उसी का था। नहीं, कोई डिमांड नहीं की गई थी उसमें। वो एप्लीकेशन आई थी कि भाई अपनी उनकी बेटी को बहला फुसला कर ले गया है, तो तुरंत हमने 3 टीमें गठित की और 3 उसकी बच्ची की बरामदगी के लिए और अपहरणकर्ता की गिरफ्तारी के लिए तुरंत प्रयास कर दिए गए। और उसके अंदर शाम को हमें करीब मध्य रात्रि करीब 10:30 बजे के आसपास हमें सफलता मिली उसी दिन, और हमने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया और बच्ची को बरामद कर लिया।